वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन शांतिकुंज ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों देखिए, हम इसका हाफ पार्ट पढ़ते हैं। इतिहास हम पढ़ रहे थे कि हमने इतिहास की जो शुरुआत है वो कहाँ से की, कौन कौन से जो चीज़ें हैं वो हमें खुदाई के दौरान मिली थी, औजार हैं और सिक्के हैं उस टाइम में जो यूज़ होते थे, उससे क्या पता चलता है कि किसी भी राजा की दशा जो है उस टाइम पर पता चलती है कि उस टाइम के राजा शासक जो हैं वो कैसे थे, और उनकी जो उपलब्धियाँ हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। अभी हम देखिए पढ़ते हैं कि विज्ञान को शिलालेख विज्ञान कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि राज्य देश जो है एक शाही आदेश होता था जो पत्थर स्तंभों तथा ताम्र पत्तों पर उत्कीर्ण होता था, मीन्स टू से उकेरा हुए होता था, और बहुत सारी शताब्दियां जो हैं वो व्यतीत होने के बाद भी वो वस्तुएं जो हैं वो ज्यों की त्यों ही सुरक्षित रहीं, मतलब वो ऐसी की ऐसी ही सुरक्षित रखी रहीं। सम्राट अशोक ने जो राज्य देश जो हमें उपलब्धियाँ हैं उस काल के लोगों के आर्थिक जीवन की महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, और इसी प्रकार कलिंग के जो शासक हैं, खाखेल का जो हाथी गुफा जो शिलालेख है, रुद्रदमन का जो जूनागढ़ है शिलालेख, उस काल की विश्वसनीय सूचनाएं जो हैं वो हमें प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट है देखिए विदेशियों के वृतांत। विदेशियों के वृतांत मीन्स टू से जो हमारे देश में जो विदेशी आए थे उन्होंने उस टाइम के शासकों के बारे में जो भी चीज़ देखी, आंखों देखा जो हाल है वो सारा चीज़ जो है वो उन्होंने लिखी थी। तो हमारे प्राचीन जो भारतीय इतिहास के ज्ञान का एक बहुत बड़ा जो स्रोत है वो विदेशी यात्रियों के विवरण हैं। यूनानी जो इतिहासकार है हेरोडोटस ने अपने इतिहास में भारत का उल्लेख किया है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है वो भारत आने वाले विदेशी विद्वानों ने दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने वाले यूनानी जो राजदूत हैं मेगास्थनीज, ठीक है, जो यूनानी राजदूत है उनका नाम क्या था, मेगास्थनीज, उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में भी भारत का जो वो है उसका वर्णन किया है भारत का, और टॉलेमी द्वारा लिखा गया जो भारत का भूगोल है तथा ईसा की प्रथम शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत आने वाले एक अज्ञात यूनानी विद्वान द्वारा रचित इरिथ्रियन सागर का पैरेलिप्स जो है वो भारत पर लिखी गई महत्वपूर्ण कृतियां हैं। मीन्स टू से भारत के बारे में लिखी गई जो महत्वपूर्ण जो सुरक्षित है आज भी हमारे पास वो चीजें हैं जिससे हमें भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है कि हमारा जो भारत है उसका इतिहास कैसा था। कालांतर में बड़ी संख्या में चीनी यात्री जो है वो बौद्ध के पवित्र तीर्थ स्थल के भ्रमण के लिए आए थे। उनमें से फाहियान जो है वो 5वीं शताब्दी में आया, ह्वेनसांग जो है वो 7वीं शताब्दी में आया, और इत्सिंग जो है वो आने वाले में थे। उन्होंने समकालीन भारत के महत्वपूर्ण विवरण जो है वो दर्ज किए थे। मुसलमान जो है वो विद्वान अलबरूनी जो है 1030 ईस्वी में, जो कि महमूद गजनबी के साथ भारत में आया था, अपनी पुस्तक तहकीकात हिंद में भारत के साहित्य, धर्म और सामाजिक संस्थाओं के रोचक विवरण जो है वो प्रस्तुत किए उसने। वेनिस का जो प्रसिद्ध यात्री है मार्की जो पोलो है, चीन से वापस फारस की यात्रा 1292 से 1294 ईस्वी के दौरान दक्षिणी भारत से होकर गुजरा था, और जिसके आधार पर उसने दक्षिणी भारतीयों के सामाजिक रीति रिवाजों आदि का रोचक वर्णन लिखे। मतलब कि उस टाइम पे जितने भी भारत में आए थे विदेशी, मतलब बाहर के देशों से, जैसे कि फाहियान है, ह्वेनसांग है, इत्सिंग है, अलबेरूनी है, जिन्होंने अपनी पुस्तक तहकीकात हिंद जो महमूद गजनबी के साथ भारत में आया था, तो उन्होंने सारी लोगों ने भारत के बारे में लिखा, भारत के इतिहास के बारे में लिखा। ठीक है, अब देखिए ये हम पढ़ते हैं एक प्रतीक अध्ययन लिपि, ठीक है, और भाषा। जैसा कि हमने पढ़ा कि अभिलेख कठोर सतह पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे, इनमें से कई अभिलेख जो है वो कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए हैं, है ना। सभी अभिलेखों की जो लिपि है वो भाषाओं का प्रयोग हुआ है, अनेक अनेक भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाएं जो हैं वो लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है ना। पहले कौन सी लिपि थी, अब कौन सी लिपि हो गई है, ठीक है। विद्वान ये कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा है, इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जाता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने के लिए एक प्रसिद्ध कहानी अफ्रीका देश में मिस्र में मिलती है, और जो 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे उनके बारे में, ठीक है। मिस्र के उत्तरी घाट पर रासेटा नामक एक कस्बा है जहाँ से ये ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही भिन्न भिन्न भाषाओं की लिपियाँ जो दो प्रकार में हैं, कुछ विद्वान यूनानी भाषा इसे समझते हैं, कुछ लोग बताते हैं राजा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं जिसे कार्तूश
कहा गया है। और इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों के अगल बगल रखते हैं, तो वहाँ के जो अक्षर हैं उससे शेर है, जैसे चिड़िया है, उसके चित्र बने हुए हैं। तो एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो इन्हें आसानी से पढ़ा जा सकता है और इन्हें आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए उस टाइम पे जो अभिलेख लिखे गए थे उनके बारे में जानकारी के लिए भी हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। अब देखिए क्या है इसका पाठ का सारांश एक बार पढ़ लेते हैं बच्चों हम। ठीक है, इतिहास मानव की उपलब्धियों का विवरण है। हमारे अधिकांश प्राचीन दस्तावेज जो हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं। साहित्यिक जो स्रोत हैं हमारे, लौकिक है, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत है, ऐतिहासिक पुस्तकें हैं, वो सारी सम्मिलित हैं इसमें जो हमारे पास साहित्यिक रूप से उपलब्ध है। प्राचीन अभिलेख हड़प्पा में पाई गई शील पर मिले हैं और प्राचीन हस्तलिपि वाली पाली जो है प्राकृत है और तमिल भाषाओं में लिखी गई है। तो बच्चों आज के लिए ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। और इसमें देखिए सही विकल्प पर सही का चित्र ये लगाइए, निशान लगाइए और इनके दो दो उदाहरण लिखिए। तो बच्चों ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और फिर आप कोशिश करें बच्चों, आपके लिए होमवर्क है ये आज का, कि आप ये जितने भी हैं ये सर्च करने की कोशिश करें पढ़ने के आधार पर। ठीक है, और इसके राइट आंसर जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाए जाएंगे। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों।